केवड़िया कॉलोनी स्थित एकता नगर में आज राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 17 करोड़ के ड्राफ्ट वैसे पेश करने के साथ पत्रकारों को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल न्याय तंत्र तथा व्यवस्था के अद्यतीकरण के लिए आज अद्यतन टेक्नोलॉजी के उपयोग पर इस्तेमाल करने के साथ 17 करोड़ के अंदाजपत्रीय का प्रावधान करते हुए एकता नगर स्थित आज एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया गया। हर एक समाज में तथा वक्त के अनुरूप न्याय तंत्र और विविध प्रक्रिया पारंपरिक विकसे उसके आशय से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आज राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा वर्चुअल रूप से जुड़े वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। जो बैठक में केंद्रीय कायदा राज्य मंत्री SP बघेल, केंद्रीय कायदा सचिव महानुभव की उपस्थिति में आज तथा विविध विभाग के संबंधित केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहने के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसमें हर एक सिस्टम में होते वैसे हर एक सुधार अंतर्गत भारत सरकार के कानून न्याय तंत्र में भी किरण रिजिजू द्वारा एकता नगर स्थित विश्व की विराट सरदार पटेल की प्रतिमा के पास आज ये कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कायदा सचिव की बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ इस ऐतिहासिक एकता नगर स्टेचू ऑफ यूनिटी जहाँ बसा है, 3 दिन का भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस चल रही है, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नई सिरे से ये देखेंगे कि वर्तमान में भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो कानून हैं, जितने भी नियम बने हुए हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं। और आज के दिन में हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हैं और आज के संदर्भ में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हमारे जो आर्थिक जगत में जिस तरीके से हमारे प्रगति हो रहे हैं, उस हिसाब से जो हम कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमारे क्या कानून हमारा देश में बिजनेस के दृष्टि से और आम लोगों के जीने का जो तरीका है, उस दृष्टि से क्या कानून सही है कि नहीं है, इसलिए बहुत चीज़ों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और फिर सुझाव राज्य के हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरी से उनका सुझाव भी लेंगे और सामूहिक रूप से हम फैसला लेंगे। भारत सरकार सारे राज्यों से ही सुनेंगे, फिर जो करना है सामूहिक रूप से हम लोग करेंगे। सर, आपका ये ऐसा है कि जुडिशरी और सरकार मिल करके कई कार्यक्रम करते हैं, स्पेशल लीगल एड्स और लीगल सर्विसेज के लिए, तो आम लोग जो हैं, हर आदमी कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो हम जो अपने लीगल सर्विस के माध्यम से मोबाइल कोर्ट कर सकते हैं, लोक अदालत कर सकते हैं, और साथ साथ हम जो नालसा के माध्यम से कई वकील होते हैं जो प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं, तो जो लोग फ्री लीगल एड के पात्र हैं उनका हम फ्री लीगल एड देंगे। हमारे पास हम प्रावधान किया हुआ है कि जो पैनल लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो बिना पैसे के गरीबों को लीगल सर्विस देते हैं, तो हम कोर्ट में ही लोगों को क्यों बुलाएं? हम ऐसे करके कोर्ट वाले, हम सब सरकार वाले लोगों के घर जाए, तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं। काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं और लाखों के संख्या में लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है।